नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिस्कशन, वो है लाइसेंस एग्जामिनेशन। सो होता क्या है, एवरीबडी ओनली थिंक्स अबाउट कि डिग्री का क्या होगा, बट आखिर में जब आप डिग्री अचीव करते हो, चाहे इंडिया से करो, अब्रॉड से करो, चाहे 25 लाख स्पेंड हो या 50 लाख हो, उसकी वैल्यू कब होगी, जब तक आपको प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगा तब तक कोई वैल्यू नहीं होगी। एंड द ओनली वे यू कैन प्रैक्टिस इज टू क्लियर द लाइसेंस एग्जाम। आप वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में चले जाइए, अगर वो कंट्री में प्रैक्टिस करना है तो उस कंट्री के मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्टर होना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंट्री की लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ती है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप जब रिसर्च कर रहे हो और अलग अलग एडमिशन एजेंट के टच में आओगे, तो आपको सबसे बेसिक डिफरेंस समझना है, एक एजेंट क्या बताता है और हम एज अ करियर प्लानर क्या बताते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो एजेंट करते हैं, वो आपको कहते हैं कि एग्जाम बहुत इजी है, आप खुद सेल्फ स्टडी से निकाल लो। जिस एग्जाम का पास रेट सिर्फ 14-15% है, सर ने आपको बताया, और जो पिछले 10 साल में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया में वापस आए हैं मगर उनको कभी डिग्री मिली नहीं है, तो ऐसी एग्जाम को अगर वो लोग कहते हैं इजी है, तो सबसे पहले कोई भी एजेंट आपको कहता है कि लाइसेंस एग्जाम नेक्स्ट ईयर से मतलब इजी है, सेल्फ स्टडी करोगे, सबसे पहले उनका नंबर ब्लॉक करना, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए बात नहीं कर रहे। अब दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो कह रहे आप ये सब टेंशन अभी क्यों ले रहे हो, अभी तो मुझे पैसा दो, आप चले जाओ, वहां मैं फ्यूचर में प्रोफेसर भेज दूंगा, आपको वादा दिया जाएगा कि आपको यहां से प्रोफेसर भेजेंगे। कितने दिन के लिए भेजेंगे? 7 दिन के लिए, और 5 साल का पोर्शन आपको 7 दिन में करवाएंगे। क्या ये बात आपको लॉजिकल लग रही है? कोई ऐसे सीख सकता है क्या 7 दिन में 5 साल का पोर्शन? तो अगर ये इस तरह के कोई भी वादे खिलाफ ही आपके साथ करता है कि आप इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, हमारे वहां पे प्रोफेसर हम भेज देंगे, हर साल भेजे थे, देखो पिछली साल फेसबुक लगाइए, हमने जलालाबाद में लोगों को भेजा था, तो ये वादे खिलाफी और ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है उससे संभल के रहना। किसी का करियर 7 दिन से नहीं बनता, 7 दिन से सिर्फ फेसबुक की पोस्ट बनती है और कुछ नहीं होता, बच्चों का भला नहीं होता, तो ये भी बहुत संभाल के आपको रहना है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत फैंसी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, और कहेंगे कि हमने फ्री में बनाया है सब कुछ, आप फ्री में तैयारी कर लो, ऑनलाइन तैयारी कर लो, आप समझ रहे हो, वो कहेंगे इधर उधर से पेपर डाल दिए, पूछ ले पुराने, तो हमारे ऐप में तो फ्री में तैयारी कर लो। कोई भी आपको फ्री में तैयारी का मीनिंग है जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कल जाके 5 साल बाद आप फेल होते हो, तो और अगर आपने कुछ पूछा, तो वो कहेंगे हमें क्या मतलब है, हमने तो आपको फ्री में ऐप दे दिया था, अब आपने फ्री वाले ऐप से नहीं तैयारी की तो क्या करेंगे। तो ये लोग का एक ही एम रहता है, क्योंकि ये लोग एजेंट है, आपसे पैसे लेना, आपको कुछ भी करके अब्रॉड भेजना, चाहे आप लाइसेंस एग्जाम में निकालो नहीं निकालो, उनको फर्क नहीं पड़ता। MBBS की जो जर्नी है वो लंबी है, आपकी शुरुआत डे 1 से क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। जिस भी लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोक्ष के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अगले 6-8 साल तक मोक्ष के टच में होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे पैरेलल टू द दे आर एंटायर जर्नी वी ट्रेन देम लाइव ऑनलाइन, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट एनालिटिक्स और वीडियो लाइब्रेरी के द्वारा हम उनको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है चीजों को समझना, ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगली बार किसी एजेंट का फोन आए तो पहले तो उनको बताना हमने मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया। 50% तो ऐसे ही फोन रख देंगे, वो बोलेंगे जाने दो 16 लाख बच्चे हैं, किसी और को फंसाते हैं, इनको अभी रियलिटी पता चल गई है। तो एजेंट्स आपको फूल करने के पहले आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, तो सच्चाई पता चल जाएगी आपको
किसी ने बोला इधर उधर से ने नोट्स डाली या फ्री में तैयारी कर लो, ऑनलाइन तैयारी कर लो, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि लाइव प्रोफेसर तो है नहीं। डाउट क्लियरेंस के लिए हर सैटरडे संडे मेरे कैसे डाउट क्लियरेंस होंगे, उसका मेरे सपोर्ट क्या है? कल उठ के मुझे कॉलेज में कोई डाउट आया तो मैं कैसे पूछूंगा? मेरे टेस्ट प्लेटफॉर्म का क्या, मैं कितनी प्रैक्टिस कर सकता हूं टेस्ट में? अगर टेस्ट में प्रैक्टिस करते करते कोई गलतियां हुई तो वो वीकनेस आइडेंटिफाई करके फैकल्टी मुझे किस तरह से हेल्प करेगा? ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है स्टडी प्लानर, एवरीडे मुझे क्या पढ़ना, ये मुझे कौन बताएगा? 7 दिन वाला प्रोफेसर तो आएगा दिसंबर में, क्रिसमस मना के चला जाएगा, डेली पढ़ाई कौन कराएगा मुझे? और आप फ्री में तैयारी की बात कर रहे हो, ऐप में थोड़ी ना मुझे पता चलेगा डेली क्या पढ़ना है। वैलिडिटी, मैं अगले 5 साल 6 साल बाद जब भी एग्जाम दूं क्या आप मेरे साथ रहोगे क्या? तो ये चीजों को जरूर पूछना। रिवीजन कैसे करवाओगे? अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिए, मैं बता रहा हूं ये दोनों जो आपको वादा खिलाफी करते हैं प्रोफेसर भेज देंगे, देख लीजिए पिछले साल का फेसबुक, या फिर आपको कहा जाता है फ्री में तैयारी कर लो, ये दोनों के दोनों की आपको रियलिटी पता चल जाएगी, पोल खुल जाएगी उनकी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको सच्चाई के बारे में जानकारी होना, अदरवाइज एजेंट का काम था फूल करना, आपको फूल करके बैठ जाए। नाउ व्हाई आर 650 स्टूडेंट्स ट्रस्टिंग मोक्ष? मोक्ष पे इतना ट्रस्ट क्यों है? मोक्ष किस तरह से इनकी करियर प्लानिंग करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो एवरी मोक स्टूडेंट हैज एक्सेस टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट्स। आज 10+ कंट्री के स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ, लोग इधर उधर हो गए, यहां से जो लोग इंडिया में थे वो वापस नहीं जा सके, जो वहां थे वो इंडिया वापस नहीं आ पा रहे थे। आप किसी भी दोस्त से पूछ लीजिए, अगर वो मोक स्टूडेंट था उसकी पढ़ाई एक दिन भी नहीं रुकी। मोक्स के प्लेटफॉर्म पे नन ऑफ द स्टूडेंट वॉज नॉट गिवेन एक्सेस टू द स्टडीज, सबकी पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिकली कंटिन्यूअसली हो रही थी इतने बड़े पैंडेमिक में भी। और बाकी लोगों का पिछले 2-2 महीने से एक ना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हो रही है, ना ही खुद कोई एजेंट ने कुछ हेल्प किया था। एजेंट ने तो सपने दिखाए थे 7 दिन में प्रोफेसर आएगा, तो वो सब फंसे हुए हैं, 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं, मेडिसिन का आता पता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना होगा व्हाट इज अ गुड प्लान फॉर यू, पढ़ाई करनी है या शोबाजी करनी है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है चीजों को समझना। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द मोक्स प्लेटफॉर्म, सिस्टमैटिकली आपके पास पूरा शेड्यूल होता है, डेली कौन से लेक्चर होने वाले हैं, क्या पढ़ना है, मुझे सिर्फ बटन क्लिक करना है, एंड क्लिक ऑफ अ बटन मुझे पता चल जाएगा डॉक्टर मिलिसा का लेक्चर है, बारबरा का लेक्चर है, दीपक शर्मा का लेक्चर है। क्लिक ऑफ बटन आई कैन एंटर द लेक्चर रूम, क्लिक किया आई विल बी एबल टू अटेंड द लेक्चर रूम। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच मोक स्टूडेंट्स हैव, लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फैकल्टी अवेलेबल है, चाहे आप मेडिकल स्कूल इंडिया में एडमिशन लो, चाहे रशिया में लो, चाइना में लो, यूक्रेन, डजन मैटर, ज्योग्राफी डजन मैटर, आपकी असाइनमेंट टाइम टू टाइम होगी, आपकी मोक टेस्ट टाइम टू टाइम होगी, सिस्टमैटिकली लोगों पढ़ाई करते हैं। अब आ गई बात अपने कॉन्सेप्ट को समझने की, लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। तो सिस्टमैटिकली मोक्ष हैज डिजाइन वीडियोस जो मैक्सिमम 15-20 मिनट आधे घंटे तक के वीडियोस है, जहां पर जब भी आप फ्री हो अच्छे से आप वीडियो ओपन कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे ही वीडियो रीड कर लिया आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सो एवरी स्टूडेंट हैज द अपॉर्चुनिटी टू वॉच द वीडियो, टू
टू डाउनलोड नोट्स, अगर डाउट्स पूछना है तो फैकल्टीज को पूछ सकते हैं, विद इन 72 आवर्स आपको अपने डाउट्स के रिप्लाई आ जाएंगे। तो सिस्टमैटिकली आपको चीजों को समझाया गया है एंड कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दी गई है। सो इस तरह से आपके पास कंप्लीट कंप्लीट करिकुलम होता है चीजों को पढ़ने का। यू कैन जस्ट टेक योर टाइम एंड वॉच ईच एंड एवरी मॉक लेक्चर। आप हमसे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चलेगा, यू विल रियलाइज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि बहुत सारी चीजें जो हमें मेडिकल कॉलेज में मिस हो जाती है वो भी मॉक्स के प्लेटफॉर्म पे कवर होती है। सो दैट इज द बेनिफिट व्हाट द स्टूडेंट्स हैव। अब हमने पढ़ाई कर ली तो नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है। तो मॉक्स प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लेटफॉर्म। शुरुआत से 1000-2000 ऐसे करते हुए अगले 5 साल में 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। अब आप लोग स्कूल में रहते हैं, जूनियर कॉलेज में रहते हैं, यू नो 11th 12th सीबीएसई, तो तब तक आपको हमेशा सब्जेक्ट की चीजें होती है, आपको टेस्ट सब्जेक्ट के बेसिस पे ली जाती है। मगर जब आप मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेते हो और जब आपको USMLE नामक एग्जाम देनी है या फिर इंडिया में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम अनाउंस हुई है नेक्स्ट, जिसके बेसिस पे लाइसेंस मिलने वाली है, तो ये सारी एग्जाम्स के लिए आपको ऑर्गन सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रीनल सिस्टम की बात करें, अगर मुझे किडनी के बारे में कोई क्वेश्चन आया कंसिडरिंग अ पेशेंट केस, तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किडनी के एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ब्लड और यूरिन के बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम इंफेक्शन का है तो वो क्या फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से हुआ, तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी बारे में पता होना चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स कौन से लगेंगे तो फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक MCQ के लिए आपको मल्टीपल सब्जेक्ट की जानकारी लगती है एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट मॉक्स फैकल्टी टीच। तभी हमारे पास रेट सबसे हाइएस्ट होते हैं बिकॉज हम एक सिस्टमैटिकल वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपको नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मगर आगे जाके अपनी क्लिनिक ओपन करनी है, आगे जाके अपना करियर बनाना है, तो क्लैरिटी रहे। ईच एंड एवरी सिस्टम एंड स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द कंप्लीट रिपोर्ट। किस तरह से एग्जाम अगर आप दोगे तो आपका प्रेडिक्टिव स्कोर क्या रहेगा, आपकी रिसेंट एक्टिविटी क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, आपका परफॉर्मेंस बाय ऑर्गन सिस्टम क्या है, क्या आप रेस्पिरेटरी में स्ट्रांग हो, रीनल में स्ट्रांग हो मगर कार्डियो में वीक हो, एंडोक्रीन में वीक हो। क्योंकि अगर ये चीजों को नहीं समझा तो बहुत डिफिकल्ट है इतनी इंपॉर्टेंट MBBS की एग्जाम्स क्लियर करना। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, मोस्ट के स्टूडेंट्स वरिड नहीं है, उनके पास ये सॉफ्टवेयर डे वन के साथ होता है। अब उनको करियर भी किस तरह से बनाना है उसकी भी डिटेल में जानकारी दी जाती है। अगर सर्जन बनना है तो सर्जन से बात करने की अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द 5 years मिलती है। OBGY बनना है तो OBGY स्पेशलिस्ट से मिलाया जाता है। इमरजेंसी मेडिसिन चूज करना है तो वहां पे आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट करता क्या है, मंडे टू फ्राइडे काम होता है, वीकेंड में होता है, इमरजेंसी ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी होती है। पूरा करियर बनाने के लिए आपको डिटेल में इन एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन करवाया जाएगा। नाउ दैट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग अ करियर प्लानर एंड नॉट वेस्टिंग योर करियर विद अ एजेंट। यही फर्क आपने समझ लिया तो आपका करियर बन जाएगा, वरना तो आपको पता ही है एजेंट रेडी है आपको फूल करने के लिए। नाउ ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ईच वन ऑफ अस। जो लोग भी अपना प्लान कर रहे हैं प्लीज ये टाइमलाइन अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप इंडिया में एडमिशन ले या अब्रॉड में एडमिशन ले।
सब बच्चों की जनवरी में एग्जाम होने वाली है, ठीक है, एवरीबडी विल हैव अ एग्जाम इन द मंथ ऑफ जनवरी, वेदर यू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, ये कंपल्सरी एनुअल साइकिल बन गई है। पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में अलग एग्जाम साइकिल होती थी, साउथ इंडिया में अलग होती थी, वेस्ट में अलग, अभी ऐसा नहीं। अब एनएमसी के नए रूल के हिसाब से एग्जाम, फाइनल एग्जाम जनवरी में ही होगी। सब बच्चों को मार्च में नेक्स्ट वन एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने नेक्स्ट वन पास किया तो ही आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर पाओगे। तो आपका इंटर्नशिप होने वाला है अप्रैल टू मार्च, आर यू गेटिंग इट? उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है जिसका नाम है नेक्स्ट अप्रैल। जब तक नेक्स्ट टू क्लियर नहीं करते हो आपको डिग्री नहीं मिलती। अब नेक्स्ट वन की जो मार्क्स आए हैं उसके रैंकिंग के हिसाब से आपको फाइनली इंडिया में पीजी की सीट मिलेगी। तो जो बच्चे मोक्स के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट वरीड, दे नो दे आर प्लानिंग। बट जो नहीं है, आज आप जाओ हजारों बच्चे दिल्ली के गौतम नगर में लिटरली पिछले तीन तीन चार चार साल से बैठे हुए हैं, क्योंकि गलत एजेंट के टच में आ गए थे। एक साल यहां बर्बाद हो जाएगा, नेक्स्ट वन एग्जाम नहीं क्लियर किया तो, एक साल नेक्स्ट टू नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा, और पीजी की रैंकिंग नहीं आई तो एक साल यहां, तीन तीन साल बर्बाद करके बैठे हैं। पैसे तो गए, बैंक वाले ईएमआई मांग रहे वो पैसे नहीं है, पेरेंट्स और सोसाइटी में नाम खराब हुआ वो अलग, कि डॉक्टर नहीं बना, सिर्फ गया था पढ़ने, डॉक्टर नहीं बना। तो आपको डिसाइड करना है डे वन से सीरियस हो या फिर आप ऐसे फंसना है इस तरह से। चांसेस ऑफ गेटिंग पीजी, अभी ये भी बहुत अच्छे से समझना है, पीजी का मेरे लिए बेस्ट चांस कौन सा है, इंडिया है या यूएस है? इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में जब 10 बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक को सीट मिलती है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे कोटा सिस्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होती है। तो इंडिया में ही मुझे आगे पीजी करना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या फिर मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और एकदम टॉप मेरिट में आऊं, अदरवाइज बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है इंडिया में पीजी करने का, वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी करना, 1-3 करोड़ रुपए लगेंगे आपको। तो आपको लगता है चलो इंडिया में इनिशियल एडमिशन तो मैंने ले ली, कुछ पैसे की जुगाड़ कर लिया, आगे जाके अगर पीजी भी इंडिया में सोचा तो 3 करोड़ की तैयारी रखना, या फिर एकदम टॉप नॉच होना जरूरी है, या फिर कोई ना कोई कोटा में होना जरूरी। तो इंडियन स्टूडेंट्स, आज आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपने दोस्त रहेंगे उनको पूछ लेना व्हाट डू दे डू, उनका प्लान सिस्टमैटिकली है। कोई भी मेडिकल कॉलेज का बच्चा है वो डे वन से USMLE नामक एक एग्जाम की तैयारी करता है। इस एग्जाम का फायदा क्या है, इस एग्जाम से आपको यूएस में पीजी की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यूएस में पीजी करने के फायदे क्या है, सबसे बड़ा फायदा मेरी सीट्स ज्यादा है, 10 में से 6 बच्चे लोग को सीट मिलती है, यहां पर 10 में से एक को। दूसरा फायदा, पीजी की कोई फीस ही नहीं होती है, फ्री में पीजी कराया जाता है। तीसरा फायदा, जब मैं पीजी कर रहा हूं पीजी के दौरान मेरा पैकेज, मुझे सैलरी मिलती है 45 से लेके 40 लाख रुपए सालाना मेरा पैकेज होता है। तो एक तो पीजी फ्री है, चांसेस ज्यादा है, पैकेज मिलता है, इसीलिए इंडिया के बच्चों का तो एकदम क्लियर माइंड रहता है कि भैया डे वन से USMLE की तैयारी की जाए। एंड यही करते हैं सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि अगर ड्रीम पहले दिन से देखा तभी फुलफिल होने वाला है, वरना जूनियर्स की तरह गौतम नगर में 3-3 साल खराब करने पड़ेंगे, वो हम नहीं करना चाहते। इसीलिए लोग सिस्टमैटिकली प्लानिंग करते हैं। आज 27% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएस आर फ्रॉम इंडिया। क्यों इतनी ज्यादा डिमांड है इंडियन डॉक्टर्स की, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ये तो प्री कोविड का आंकड़ा है, ऐसे कहा जाता है
कोविड के बाद ऑलमोस्ट डबल द रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक्चुअल डॉक्टर्स की अमेरिका में। तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है अगर आपने सही मौके पे तैयारी कर ली। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं इंडिया वापस आऊं? ऑफ कोर्स आप आ सकते हो यूएस में पीजी करने के बाद, और डेफिनेटली आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, मगर आओगे क्यों ये भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि आप जैसे ही यूएस में पीजी खत्म करते हो आपका जॉब गारंटीड है, और मिनिमम सैलरी अगर आप पीडियाट्रिक्स हो, फैमिली मेडिसिन हो, इंटरनल मेडिसिन, ये जो बेसिक अगर आपने कर लिए तो भी सालाना 1.5 करोड़ की इनकम। अगर आप थोड़े अच्छे से पढ़ के नेफ्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ओबीजीवाई बन जाओ, सर्जन बन जाओ, तो 2 से 2.5 करोड़ कहीं नहीं गए। और टॉप नॉच स्पेशलिटी वो है प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो और रेडियो, जहां पर मिनिमम सालाना इनकम अक्रॉस अमेरिका 3 से 4 करोड़ रुपए होती है। तो जनरली जो बच्चे यूएस जाते हैं वो यूजुअली वापस नहीं आते, 5-10 साल मेहनत करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते कि इंडिया में वापस आके अपनी हॉस्पिटल ही ओपन कर देते। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी होगी, बट इसकी तैयारी डे वन से करनी। डे वन से अगर प्रेपरेशन नहीं किया तो तकलीफ है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा पीजी जाना है तो, कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ये एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे करनी है। अब आप पूछोगे कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? नहीं, आपको अगर यूएसएमएलई का ख्वाब देखना है और अच्छे से यूएस में पीजी करनी है तो कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको वर्ल्ड एंट्री पे जाके अपनी कॉलेज की सही से जानकारी लेनी पड़ेगी। कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे तो खत्म हो जाओगे। आजकल कोई यूट्यूब लगाएगा और अगर एमबीबीएस की सर्च करेगा तो बहुत सारे फैंसी वीडियो आ रहे हैं, जहां पे बच्चों को बुला बुला कर बताया जा रहा है कि आप चले जाइए यूक्रेन में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है तरास, आप खुद देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है। पहले तो सर ने आपको बताया ही होगा कि कितना पुराना है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल पुराना है। दूसरी बात, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा क्योंकि मेरे को वीडियो में बताया गया, कोई तो बच्चा आया था जिसको पैसा दिया था और अच्छा अच्छा बातें बोला, तो मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँ। अगर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो क्या मैं यूएसएमएलई की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? क्या मैं यूएस में फ्री में पीजी जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो मैं अगर यूट्यूब वीडियो के झांसे में आ गया तो मेरा करियर खत्म। तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पहले वर्ल्ड डायरेक्टरी जरूर चेक करनी है कि क्या मैं जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूं, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, ठीक है, मुझे जरूर यहां पर जाकर चेक करना है स्पॉन्सर नोट में कि क्या कनाडा एंड यूएस बोर्ड वो यूनिवर्सिटी को अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको बता दूं इंडिया में टोटल 400 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें से 80 मेडिकल कॉलेजेस के पास भी ये अप्रूवल नहीं है। बॉम्बे में 7 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से एक कॉलेज ऐसी है जिसके पास अप्रूवल नहीं है। तो आपको जरूरी है इंडिया हो या अब्रॉड हो, आपकी कॉलेज की चेकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी होनी चाहिए। वरना होता क्या है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके बाद हमें फोन आते हैं, सर यूएसएमएलई करना है, और हमें उनको सॉरी बोलना पड़ता है कि नो सॉरी, आप मोक्ष का प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसके कोई भी रिकॉग्निशन अमेरिका में नहीं है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि पहले तो कॉलेज अप्रूव्ड बाय यूएस बोर्ड होना चाहिए। यूएसएमएलई स्टेप वन, सीकेसीएस एग्जाम, इसकी तैयारी मोक्ष आपको पैरेलली ऑनलाइन पे करवाने वाला है, ठीक है। फिर आप जैसे ही ईसीएफएमजी अप्रूव बन गए, आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद आप पीजी के लिए अप्लाई करोगे।
पीजी के फर्स्ट ईयर की सैलरी होती है 35 से 40 लाख। ये पता है आपको अमाउंट क्या है? ये पूरा का पूरा अमाउंट है जो आपने एमबीबीएस के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी में आप वो पैसा रिकवर कर लेते हो, इसीलिए मैक्सिमम पेरेंट्स को क्लैरिटी है कि अगर बच्चों को यूएस मतलब पीजी करवाना है तो यूएस से ही करवाना। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, यूएस की डिग्री वेरी मच रिकग्नाइज्ड इन इंडिया है, आपको कंप्लीटली अलाउड है अक्रॉस इंडिया प्रैक्टिस करने में। तो आपको ये चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप क्लैरिटी ले ले कि आपका बजट किस तरह से रहने वाला है, एंड अकॉर्डिंग टू द बजट प्लान थिंग्स। अगर 40 to 50 lakhs बजट है तो आप यूएसएम की तैयारी करते हुए फ्री पीजी इन यूएस कर सकते हैं, प्लान वन। प्लान टू, अगर 20 to 25 lakh बजट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर नेक्स्ट की तैयारी पहले साल से करना है और पीजी इन इंडिया की तैयारी हो जाए। अगर दोनों जगह पे तकलीफ है तो नो प्रॉब्लम, हम आपको पीजी इन जर्मनी के लिए भी हेल्प करेंगे। बिकॉज जैसे कि शुरुआत में आपको बताया, हम आपके साथ अगले 6 से 8 साल तक है, ठीक है? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ यू, ठीक है? अब 13th को अगर एग्जाम एक्चुअली कंडक्ट की जाएगी तो आपको ये भी रियलिटी आज ही आज पता होनी चाहिए कि जब 21 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट के लिए तो जरूरी नहीं है सब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। आज ये वेबिनार में 200 बच्चे हैं, तो अगर ये स्टैटिस्टिक के हिसाब से जाए तो 10 बच्चों को गवर्नमेंट में इंडिया में मिल सकता है। तो आपको ये सोचना है कि बाकी के बच्चों का प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहला प्लान तो जैसे सर ने बोला कि एमबीबीएस अब्रॉड में बट इन अ 100-year-old गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपना सीट सिक्योर करिए। दूसरा ऑप्शन है, कोई बात नहीं, जैसे कि सर ने बोला नीट यूजी रीअपियर कर लीजिए, अगले साल गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट अब्रॉड करके यूएस पीजी का प्लान करिए। ये आपका दूसरा प्लान भी है। तीसरा है, जैसे कि सर ने बताया था, बीएससी कोर्स करते हुए एमबीबीएस फिलीपींस का जो पाथवे है उस तरह से चले जाए। ये आपके करेक्ट एक्शन होने चाहिए। मगर होगा क्या, जब आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके आसपास में नर्वस होगे, आपको अभी भी पता है कि 20 जन को नहीं मिलने वाला, फिर भी तभी नर्वस होगे, तो अचानक से आपको फोन आएंगे, इंस्टा आएगा, फेसबुक आएगा, यूट्यूब आएगा। क्या आएगा कि आप एक साल का कोर्स ऑनलाइन, या फिर पुणे आ जाइए, या फिर हैदराबाद आ जाइए, या फिर चेन्नई आ जाइए और अपना एमबीबीएस फिलीपींस चले जाइए। ये कितना बड़ा स्कैम है, क्या इलीगल है, मोहिनी मैम हमें आपको डिटेल में अभी बताने वाली। दूसरे कॉल्स आपको आएंगे कि 30 से 50 लाख में आप वाया करेबियन चले जाएंगे अमेरिका में। ये भी बहुत बड़ा इलीगल, नॉट अप्रूव्ड बाय कैम एचपी ईसीएफएमजी प्रोग्राम है। करेबियन जो जगह है वहां पर अगर जेन्यूनली एमबीबीएस पढ़ाया जाए विथ रियल फैकल्टीज, गोस्ट फैकल्टी, भूतिया फैकल्टी नहीं, रियल फैकल्टी जो है, तो मिनिमम खर्चा होता है 1 crore rupees का। तो अगर कोई जेन्यून करेबियन यूनिवर्सिटी है वो 1 crore के ऊपर फीस रहती है। तो जो आपको 30 से 50 लाख में करेबियन में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं, पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो अगली बार कॉल आया और आप पूछो उसको आइलैंड का नाम क्या है, तो बोलेंगे गयाना, बोलेंगे अरूबा, बोलेंगे बारबाडोस। समझ जाने का कि तुरंत तुरंत ये नंबर को स्पैम कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, वरना फिर फंस जाओगे। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, फिलीपींस, कैरेबियन, ये सब बहुत फंसाया जाता है। आपको करना क्या है, आपको ये विजिबिलिटी मोक्ष ने आपको दे दी है कि एमबीबीएस का एडमिशन तो पहला स्टेप है, आगे पिक्चर अभी लंबी है, बाकी है, अगले 6 से 8 साल की जर्नी है। तो अगली बार एजेंट का फोन आए, बोलो आप ये कंट्री बंट्री जाने दो, बाद में बात करते हैं, मेरे कॉलेज एग्जाम का क्या, अगर मुझे यहां पर तकलीफ है तो ऑनलाइन में आप कैसे सपोर्ट करोगे।
लाइसेंस एग्जाम जिसके बेसिस पे मुझे एमबीबीएस डिग्री मिलेगी इसका क्या, मुझे फ्री पीजी अमेरिका में करना है इसका क्या, अगले 6 से 8 साल तक के लिए आप मुझे कैसे हेल्प करोगे वो बताइए, तब जाके आपसे बात करेंगे, वरना तो हमने सही रास्ता मोक्ष ने दिखा दिया है। तो ये आपको जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट वे, ठीक है।